things that you wouldn't believe. गाइज अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज संडे है और आज हम सुबह से कहीं नहीं गए थे, बस नहा धो के बैठ के हुए थे, तो धूप सेक रहे थे, थोड़ी सर्दी भी थी। और अभी हम आए हैं बाहर क्योंकि हमने मेरे टिफिन में जो भी आया था, मैंने आज खाना नहीं खाया, खीर वगैरह ये सब नहीं खाया, तो इस वजह से मैंने मैम से पूछा कि मैंने कुछ नहीं खाया, मैं जाऊँ बाहर, तो मैम ने परमिशन दे दी। और अभी हम जाएँगे कहाँ, हेडक्वार्टर्स। चलिए that I'm invincible, nobody gonna bring me down. और गाइज मैंने अभी आपको पहले ही बाहर बताया था कि मैं हेडक्वार्टर जा रही हूँ, और हेडक्वार्टर इधर एक रेस्टोरेंट का नाम है जो कि बहुत ही प्यारा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लास्ट टाइम मैं इधर ईद पे आई थी और उसके बाद मैं आज आ रही हूँ, और क्या बोलते हैं, वैसे भी आए मेरे टिफ़िन में जो भी खाना आया था मैं नहीं खाती थी, तो उस वजह से मैं इधर आई। और मैं अभी आपको बताऊँगी यहाँ का पूरा व्यू वगैरह, बड़ा मस्त है। चलो देखो, और ये यहाँ बाहर का व्यू है, बहुत ही प्यारा है, देखिए बहुत ही शानदार है, देखिए। यहाँ से पूरा उज्जैन दिख रहा होगा आपको, ये बहुत हाइट पे है और मैं बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ, कम से कम 6-7 फ्लोर पे हूँ। बहुत ही प्यारा है, देखिए पूरा उज्जैन दिख रहा है यहाँ से। जा रहे हैं लेकिन अभी तक जो हमने ऑर्डर किया था वो नहीं आया। चलो वेट करते जाते हैं, मुझे चक्कर ना आ जाए कहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। देखिए हम गरीबों के आगे खाली प्लेट्स आ गई हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं आया है। और हमने मंगवाया था पनीर पराठा जो कि आ गया, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। जब हम पहले इधर आए थे तो तब हमने कुछ और खाया था और आज हम कुछ और खा रहे हैं, देखते हैं इसका टेस्ट भी कैसा है। वैसे उस टाइम तो बहुत अच्छा था। That I'm invincible, nobody gonna bring me down. और हमने गुलाब जामुन विद आइसक्रीम भी मंगवाया था, लेकिन इन पागलों ने क्या कर दिया, हमने कहा लास्ट में देना ये, और इन्हें पहले ही ला के रख लिया, और देखिए आइसक्रीम और वो मिक्स हो गया, ओ सो सैड। और मैं और सोनाली सिर्फ हंसे जा रहे थे, मैं उसको दिखा रही थी ये देख कैसे मिक्स हो गया, और आपको दिख ही रहा होगा। और अब हम फाइनली उठ गए यहाँ से, और अब हम यहाँ बिल करवाने लगे। और ये वाला रास्ता आपको दिख रहा होगा, मतलब बाहर निकलने वाला है, पूरा खुफिया रास्ता है, सिर्फ एक फ्लावर के बीच में ऐसे लाइट्स जैसी लगी है, अदरवाइज बड़ा खुफिया टाइप्स है ये। अभी हम वहाँ से बाहर आ गए, मैंने उधर नहीं शूट किया कि हम बाहर आ गए, वैसे अभी दिख रहा होगा मैं सड़क में चल रही हूँ, मतलब मैं बाहर आ चुकी हूँ। और अभी हम वापसी की तैयारी करेंगे क्योंकि हम मैम को यही बोल के आए थे कि हम कुछ खाने जा रहे हैं, पेट पूजा करने जा रहे हैं, और इसलिए अब हम जाएंगे वापस। चलिए क्या बताऊँ, अमरूद खरीदने थे, बड़े महंगे हैं अभी, ये जो सस्ते हो जाते हैं बाद में, अभी पता कितने के थे, 70 रुपये किलो, क्या बताऊँ।
पहुंचने ही वाले हैं पास ही। और अभी मैं आ गई हूँ वापस, और आज मेरा कोई प्लान नहीं था ब्लॉग वगैरह बनाने का, क्योंकि हम सुबह से ही मतलब जब नहा शो के बैठे थे ऐसे ही पहले धूप वगैरह सेक रहे थे ये वो, क्योंकि मतलब संडे एक ऐसा दिन होता है कि जब हम पूरे अपने कपड़े शपड़े जो भी होता है सब काम वगैरह ख़त्म करते हैं, और फिर हम बाहर भी नहीं गए थे। और बाद में मुझे भूख लग गई क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने आज टिफ़िन का खाना नहीं खाया था, तो फिर हम बाहर चले गए। तो उसके बाद और अभी मैं आ गई हूँ वापस, और होप सो आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, वैसे मतलब छोटा सा ही होगा अच्छा लगेगा। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर।